हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हो रही है सुबह बहुत ज़्यादा वाली, तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ पीहू का नाश्ता। और नाश्ता इससे पहले हो गया बहुत बड़ा कांड, तो अब आप लोग देखिए क्या हुआ मेरे साथ आज। आज तो कांड ही हो गया, क्या बना रही हूँ। क्या कांड? इतना तेज रेगुलेटर आवाज कर रहा है कि कुछ बना ही नहीं सकते उसमें। हम सोचे क्या देंगे पीहू को, इंडक्शन की याद आई हुई, इंडक्शन है तो इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ सब्जी, भी आलू भुजिया और बनाऊंगी पराठा। इतने काम अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा। ढक दो उसको, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं जी मैंने चूल्हा अलग कर लिया है, आज से मैं इस चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी। जल जा रही है, रहो धीमा कर लो, एकदम धीमे से जलती। हो गया, हटाओ, जल जा रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं चल रही हूँ आज कुछ अच्छा सा बनाने में, बहुत मन कर रहा था, बाहर खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरी डोसे की रेसिपी आप लोग देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी रात में कर ली थी जो कि हमेशा करनी होती है। तो ये है मेरी दाल जो छिलके वाली, इसको मैं अभी छिलका हटाऊंगी धुल के। और ये है चावल, तो इसको मैं धुल के अभी सब सारा कुछ पीस लेती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पे मैंने दाल और चावल दोनों अच्छे से पीस लिया है और उसको मैं ढक के इसको ले जाती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है और इसको मैं ले जा रही हूँ ऊपर रूम में रखने, अपने रूम में, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा गर्म रहता है, नीचे ठंडा मौसम है, आज बारिश का मौसम हो गया तो इसमें खमीर बनना बहुत जरूरी है। तो इसको ले जा रहे हैं अपने रूम में रखने। लाइट नहीं है गाइस। मेरे फेस कट जाता है कई बार, नहीं ठीक आ रहा था, कई बार कट जाता है, कई बार तो चटनी ऐसी वाली दिखता है।
थोड़ी मेरे लिए भी बचा दीजिएगा। उसी में ले लेना, अब इसमें कहाँ रखी है। अच्छा ठीक, इधर बन चुकी है चाय, अच्छी वाली चाय बनानी है प्योर दूध की। हमारे यहाँ वैसे ही प्योर दूध की बनती है। अच्छी वाली चाय बन चुकी है और ये रहा समोसा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, समोसा वाला मौसम है, इसे कहते हैं समोसा वाला मौसम। हम लोग इसी मौसम में जाकर समोसा खाते हैं। और हमारे घर आई हुई है मेरी दीदी, अभी मेरी ननद जी, तो अभी मिलवाती हूँ उनको, मैं समोसा खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे चाची ने समोसा बनाया टेस्टी टेस्टी। हाँ मैंने समोसा बनाया हुआ है। तो फिर ये पन्नी कहाँ से आई है? ये पॉलिथीन, इसे मैंने पैक किया। ओ ये देखो कितने सुंदर सुंदर बने हैं ना। ये गाइस ये मेरा फेस और ये समोसा आप लोग देख सकते हैं, मैच कर रहा है कि मैंने बनाया हुआ है, फोटो भी देख। और यहाँ पे गाइस कड़क वाली चाय तैयार हो गई है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं है, हम लोग इतनी ही कड़क चाय पीते हैं। तो अभी मुझे चाहिए क्या चाहिए, छन्नी चाहिए। तुम बन जाओ चाय, एक है नहीं रील्स वाली है, तुम बन जाओ चाय की पत्ती, मैं चक्कर के दाने। मैं पानी वाली चाय नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं भी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल पानी वाली चाय। कोई ना होती है वो, क्या होता है पानी वाला पानी होता है। बाय। तो यहाँ पे मैं शुरू कर दी हूँ अपना रात का डिनर बनाना। सांभर की तैयारी मैंने सारी कुछ कर ली है और सांभर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इडली बनाइए चाहे डोसा, लेकिन सांभर तो मस्ट होता है, और मैं वैसे भी सांभर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ये रहा बेटर, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी का डोसा, देखिए कितना गजब ना, कितना लाजवाब डोसा बना है। और ये हमको इतनी देर से बता रहे थे तुम बना नहीं पाती हो, अब ये हस्बैंड जी का हम देख रहे हैं कैसे इसको निकालते हैं तवे से। आज तवे से ये कैसे निकालते हैं ये डोसा, ये डोसा का बन गया मकोसा। तो वो खाली हमारा काम बढ़ाने आए हो, इससे अच्छा हम बना रहे थे। ये तावा उधर कर दो, इधर भी आंच लग जाए थोड़ा। तो गाइस ये है मेरे हस्बैंड जी का डोसा जो बनाए हैं, डोसा स्पेशल। ये कहाँ से कहाँ कोर्स किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं। और ये देखो इनका डोसा। तो गाइस ये इनका डोसा कौन खाएगा, भाभी आपकी कम डालो कम डालो कम, यार आलू कम लगाओ, तुम तो आलू ही खत्म कर दोगे मेरा। यहाँ पे अभी तक हम अच्छा अच्छा बना रहे थे तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया कि डोसा बन गया। भले ही मेरा डोसा थोड़ा छोटा था तावे की वजह से, लेकिन जो था सही था। मेरा डोसा बड़ा है, इनका डोसा तावे के बराबर बाहर भी निकल आया है, लेकिन देखिए अच्छा पलट तावा। चलो पानी पानी छींटा मारो, भगोने में पानी है, हाथ से हाथ चम्मच से नहीं, हाथ से ही समझ के मारो। हाँ अभी इसे पोंछ दो कपड़े से, थोड़ा रगड़ के साफ कर लो। हाँ बस थोड़ा सा तेल निकाल लो, हटाओ तो कपड़ा और निकाल लो, बस बस होएगा। एक के बाद में इसे इतना बड़ा बनेगा, करो जल्दी करो। अरे बीच से शुरू होता है फैलाना, बीच से शुरू करो दबा के हाथ। हाँ इसे, हाँ इसे और किनारे उधर वाला फिर पतला कर। ये थोड़ा उससे अच्छा बना है बीच। क्या बोली, खाओ मना रहे हैं। अरे वाह,
ये ड्यूटी से आके यहाँ डोसा बना रहे हैं, हमसे कह रहे तुम खाओ, जाओ जाओ हम बना लेंगे खा लेंगे। देखो देखो हाँ हाँ कैसा बना है? अच्छा बना है, टेस्टी बना है। सांभर और चटनी और वो डोसा जो होता है वो एकदम खाने में टेस्टी है, लेकिन वो एकदम होटल जैसा बन नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग छोटे तवे पे नॉनस्टिक घर पे बनाते हैं। अच्छा है, अच्छा समर पीने में ना पिया तो जाता है, पिया भी और खाया भी। तो आज का रहा मेरा ये ब्लॉग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी ना आके तुरंत बोले कि पहले मैंने बनाया तो ये खा लिए, ठीक ठीक बना था, मतलब अच्छा बना था, तो इन्होंने खा लिया। इसके बाद ये बोले नहीं अब मैं बनाता हूँ तब तुम खाओ, क्योंकि ना डोसा जो गर्म गर्म रहता है तवे से हटता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया पहला डोसा, खैर उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और सारे डोसे बहुत अच्छे बने थे, कलर भी अच्छा था। तो ये रहा मेरा आज का कुछ ब्लॉग, मैंने कहा शेयर करें आपके साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।